सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी पुरानी क्लासेस को आर्काइव में डाल सकते हैं और साथ के साथ नए सेशन के लिए किस तरह से गूगल क्लासरूम में न्यू क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना होगा गूगल में लॉगिन, यानी कि जो भी आपकी गूगल की ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर लीजिए, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको देखने का मिलेगा। और उसके बाद ये जो आपके पास 9 डॉट हैं, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करिए। तो जैसे आप भी क्लिक करेंगे तो गूगल के जितने भी फीचर होते हैं वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे और इसमें आपको ढूंढ लेना है कि गूगल क्लासरूम कहाँ है। तो ये क्लासरूम नाम से आपको ये ऑप्शन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो आपकी जो क्लासेस हैं, जो आपने लास्ट ईयर जो ऑनलाइन क्लासेस ली है आपने, वो आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। तो जैसे मैंने समझाने के लिए एक डेमो क्लास क्रिएट किया है ताकि मैं आपको आर्काइव करके दिखा सकूं कि किस तरह से हम इसे आर्काइव में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाऊंगा कि न्यू क्लास आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी क्लासेस आपकी होगी वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, एक डेमो क्लास है, ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ आपके पास ये 3 डॉट आता है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन बन के आ जाएंगे। सबसे लास्ट में नीचे देखिए एक ऑप्शन है आपके सामने आर्काइव। तो जैसे ये आर्काइव पे आप टच करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आप क्लिक करने के साथ साथ ही ये जो आपकी क्लास है इसके सारे रिकॉर्ड आपके जो होंगे वो आर्काइव में चले जाएंगे, सेफ रहेगा, कुछ भी डिलीट नहीं होता ये, बल्कि एक फोल्डर बन के ये सेव हो जाता है आर्काइव नाम से, ठीक है। तो हम इसे क्लिक कर लेते हैं तो स्क्रीन पर आपके पास ये कुछ मैसेज आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा सिंपली कि आप इंटरेस्टेड हैं, कि आप एग्री करते हैं कि भाई आप ये आर्काइव में डालना चाहते हैं अपनी इस क्लास को। तो हाँ बिल्कुल, तो मैं दोबारा से इसे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे और ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद ये आर्काइव में चली जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पर आपके पास कोई क्लासेस नहीं दिखेगी। वो इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि जो आपकी जो क्लासेस थी वो आर्काइव में जा चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आर्काइव क्लासेस मेरी जो थी वो कहाँ चली गई, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं आर्काइव क्लासेस। तो जितनी भी क्लासेस को वन बाय वन आप शिफ्ट करेंगे वो वहां जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि किस तरह से हम न्यू क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इधर थोड़ा सा देखेंगे राइट साइड पे जो प्लस का साइन है, यहां से आप अपनी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। एज यूजुअल जैसे आपने पहले क्रिएट किया था वैसे ही क्रिएट करना है आपको। तो ये क्रिएट क्लास का ऑप्शन आपके पास, तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये स्क्रीन पर ये कुछ इस तरह से आपको रिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ आपने जैसे एज यूजुअल जैसे आप करते हैं ये बॉक्स पर टिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है और जो भी क्लास है क्लास का आप नाम डाल सकते हैं। सपोज जैसे आपकी मान लीजिए कोई क्लास है क्लास 10th है, तो आप इस तरह से डाल सकते हैं क्लास 10th या जो भी क्लास है आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी सेक्शन है, सपोज मैं एक एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ ए सेक्शन है, डाल दिया। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है तो आप उस तरह से सब्जेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ रूम नंबर भी अगर आप डालना चाहें तो उस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप अपनी क्लास को क्रिएट कर लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद ये प्रोसेस होने के बाद जो आपकी ये क्लास है वो क्रिएट हो जाएगी। ये थोड़ा डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है, अगर स्पीड अच्छी होगी तो बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये क्रिएट हो चुकी है, क्लास 10th आ गया, सेक्शन ए हमने डाला था और ये आपके पास ये स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये आपकी क्लास का कोड है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट करेंगे आप तो बाकी आपको सारे फीचर यहाँ पे दिखने लग जाएंगे कि कौन कौन से फीचर आपको देखने को मिलते हैं। अब बारी आती है कि किस तरह से आप अपने स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप स्क्रीन पर देखें तो सबसे पहले एक पीपल का ऑप्शन आपके पास आएगा, क्योंकि अभी आप खुद एज ए टीचर इसमें ऐड हुए हैं, आपने अपने स्टूडेंट को इनवाइट नहीं किया है, तो इसलिए आपको स्टूडेंट की जगह यहाँ ब्लैंक दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट को ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो आप ये जो लिंक है आपके पास इनवाइट करने का जो लिंक है इसे आप स्टूडेंट को सेंड कर सकते हैं, वो ज्वाइन हो सकता है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट का ईमेल आईडी आपके पास है तो यहाँ टाइप करके इन्विटेशन भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक ईमेल आईडी है ABC, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ये किसी का ईमेल आईडी है और मैं उसे इनवाइट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ईमेल आईडी टाइप करूँगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये डेमो है, मतलब ये एक समझाने के लिए बस, ठीक है। तो ABC किसी की एक ईमेल आईडी है, abc@gmail.com, ठीक है। और इस तरह से जो भी उसकी ईमेल आईडी जो कुछ भी हो आप उस तरह से टाइप कर सकते हैं और टाइप करने के बाद इसे यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपने स्टूडेंट को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने इनबॉक्स में जाएंगे बच्चे लॉगिन करके तो उन्हें पता लग जाएगा। इसके अलावा एक तरीका और है कि आप इनविटेशन सेंड करने के अलावा आप चाहे तो इनविटेशन लिंक के साथ साथ क्लास का कोड भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नीचे ये आपके पास आ गया क्लास कोड, ठीक है। तो ये आप क्लास कोड भी बच्चों को शेयर कर सकते हैं, जो ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, R F
EEVI4 ये शेयर कर सकते हैं या फिर लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने स्टूडेंट को ज्वाइन दोबारा से करवा सकते हैं। आई होप आपको जो भी कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से इसे आर्काइव में डालना है पुरानी क्लासेस को, समझ में आ गया होगा, और किस तरह से न्यू क्लास क्रिएट करनी है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।